दोस्तों, फनी कारीगरों पर कुछ वीडियोस हमने पहले भी बनाए हैं। अच्छा, जिन पर आपने अच्छा खासा प्यार दिखाया है, और उसी प्यार को देखते हुए आज हम आपके लिए एक और फनी कारीगरों का वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप अपने पेट को पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मिले इन कारीगर साहब से, जो बढ़िया मन लगाकर दीवार बना रहे थे, लेकिन इनका लेबर है जो कि मोबाइल चलाने में बिजी है और ईंटें भी ऐसे पकड़ा रहा है जैसे कोई कारीगर पर एहसान कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। जिसके बाद कारीगर साहब को गुस्सा जाता है और पहले तो ईंट को जोर से पटकते हैं और फिर उसका मोबाइल लेकर दीवार में ही चुन देते हैं। मेरे ख्याल से कारीगर साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। दोस्तों, अब मिलिए इन भाई साहब से, जिन्हें एलईडी टीवी का फील लेना था, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि टीवी को बदला जा सके, तो इन्होंने कारीगर को बुलाकर टीवी को दीवार के अंदर ही फिट करवा लिया। अब इसे देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि कारीगर तो काफी होशियार निकला, लेकिन इस घर के दूसरे रूम में आप देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब मिलिए इस महान कारपेंटर से, जिसने टॉयलेट का दरवाजा तो बनाया, लेकिन इसमें उसने ऐसा शीशा लगा दिया कि आईसीयू की सारी हरकतें बाहर से ही नजर आ जाती है। अरे यार, जब अंदर का नजारा देखना ही था तो दरवाजे की क्या जरूरत थी। कहाँ बवासीर बना दिया। और कारीगर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिशियन भी कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह पंखा यहाँ लगाया तो क्यों लगाया। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वह अपने लिए एक आलीशान घर बनाए, जिसके लिए वह ठेकेदार को घर बनाने का ठेका देता है। और इस ठेकेदार ने तो ऐसा घर बनाया है कि दूसरी छत पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही पहली छत अपने होश खो देती है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? लेकिन हर कारीगर बेवकूफ नहीं होता, कुछ समझदार कारीगर भी होते हैं। बात तो सही है। जी हाँ, अब यहाँ इन्हें ही देख लीजिए, जिन्होंने बजरी छानने का इतना तगड़ा जुगाड़ लगाया है कि घंटों का काम मिनटों में ही निपटा रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह पटरियों के बीचों बीच बिजली के खम्भे लगाए गए हैं। मगर क्यों? और ऐसा ही कारनामा यहाँ पर देखने को मिलता है। लगता है रोड बनाने वाला ठेकेदार कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, जिसने बिजली विभाग वालों के आने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन ठेकेदार की बेचारे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह देखिए, यहाँ पर भी लाइट ठीक करने के लिए बिजली वाले नहीं पहुँचे तो दादी को ही खम्भे पर चढ़ना पड़ गया। बात तो कुछ भी हो, लेकिन यार दादी की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दोस्तों, एक मकान का पूरा वजन कॉलम पर ही होता है, लेकिन क्या होगा जब मकान के कॉलम ही कुछ इस तरह के भरे गए हों। मेरे ख्याल से ऐसे कारीगरों को पुरस्कार देकर रिटायर्ड कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो इन भाई साहब ने कॉलम को रोकने के लिए इस पर टेप ही चिपका दी, ताकि कॉलम और ज्यादा ना फटे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यार, इन्हें इस टेप पर इतना यकीन है, शायद इतना यकीन तो टेप बनाने वाली कंपनी को भी नहीं होगा। दोस्तों, शहरों में जगह की काफी कमी होती है, उसी वजह से वहाँ पर मकान थोड़े छोटे बनाए जाते हैं, लेकिन इन भाई साहब ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, जिन्होंने ऐसा मकान बनाया है जो दिखने में ऐसा लगता है कि मानो चीन की दीवार का कोई टुकड़ा लाकर यहाँ रख दिया हो। बात तो सही है। अब आप ही बताओ कि इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ कैसी बनाई होगी। चलो, सीढ़ियाँ तो जैसे तैसे बना दी होगी, लेकिन इस घर में जगह की इतनी कमी थी कि बाथरूम को भी सीढ़ियों के ऊपर ही बनाना पड़ा। जिन्हें खेतों में जाने की आदत है, उन्हें थोड़ा खुला खुला तो जरूर फील होगा। बंद करो। और यहाँ पर इस महान इलेक्ट्रिशियन को देखिए, जिसने लालटेन में ही बल्ब लगा दिया, जिससे बरसात में बल्ब खराब होने की टेंशन भी खत्म हो गई। अरे वाह, ऐसे देसी जुगाड़ केवल हमारे भारत में ही संभव है। अच्छा, अब यहाँ पर इस प्लम्बर का कारनामा देखिए, जिसने वेस्ट पाइप में ही टंकी का पाइप जोड़ दिया। वाह, क्या सीन है। लेकिन इस टॉयलेट का एक फायदा यह भी है कि अगर कोई नहाकर नहीं आया हो तो ये उसे नहला भी देता है। ये अच्छी बात नहीं है।
दोस्तों घरों में दरवाजे पर कुंडी इसलिए लगाई जाती है ताकि उसमें लॉक लगाया जा सके और घर बिल्कुल सुरक्षित रहे। लेकिन इस मिस्त्री ने तो ऐसी कुंडी लगाई है कि चोर को ताला तोड़ने के लिए कोई भी औजार लाने की जरूरत नहीं है। क्या कारीगरी है? और यहाँ पर देखिए किसी महान कारीगर ने दरवाजे के सामने ही सीढ़ियाँ ठोक दी। लगता है वह इस कमरे को कुछ ज्यादा ही सिक्योर करना चाहता था। आपको कैसे पता? हमने तो ना बताया। इतना ही नहीं, इसने जो सीढ़ियां बनाई हैं वो ऊपर जाकर कुछ इस तरह खत्म हो जाती है। इस कारीगर के कारनामे देखकर मकान मालिक आज भी उसे ढूंढ रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। दोस्तों यह कारीगर यहीं पर नहीं रुका, इस कारीगर का दूसरा कारनामा भी देख लीजिए। इसने यहाँ तो सीढ़ियों को उल्टा ही बना दिया है। लगता है कि यह कारीगर या तो उल्टा पैदा हुआ है या फिर इसने गार्डन में इस तरह की सीमेंटेड स्लाइड बनाई होगी और इसकी अभी तक आदत नहीं गई। तो क्या नाचो मैं? अब मिली है शक्तिमान की छठी औलाद से, जो यहाँ पर कैसे कैसे करतब दिखा रहा है। पहले तो इसने ड्रिलिंग मशीन को छत में ही अटका दिया और ऊपर से यह मशीन भी कंट्रोल नहीं हो रही। और इन कारीगरों के कारनामे यहीं पर खत्म नहीं होते। जी हाँ, इन भाई साहब की सीढ़ियों पर काफी धूप आ रही थी तो इन्होंने इसके ऊपर छाया करने के लिए सीढ़ियों को कवर करने के लिए बोला, तो इन भाई साहब ने यह कारनामा करके दिखाया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हर कारीगर बेवकूफ नहीं होते, कुछ जुगाड़ू भी होते हैं। जी हाँ, इस सस्ते कारीगर को देखिए, जिसके पास रोड करने के लिए मशीन नहीं थी तो उसने अपना तेज दिमाग दौड़ा कर यह जुगाड़ लगाया। वैसे जुगाड़ तो बढ़िया लगाया है, इससे बिजली की भी बचत होगी और रोड पर किसी तरह के निशान भी नहीं बनेंगे। सही बात है। दोस्तों यहाँ पर इस कारीगर की कोई गलती नहीं है, गलती तो इस कारपेंटर की है जिसने यह दरवाजा बनाया है। पहले तो इसने दरवाजे पर इतनी बड़ी जाली लगा दी और ऊपर से जाली वाला हिस्सा नीचे की तरफ और कर दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और इस कारपेंटर के इसी कारनामे को देखकर सरकार ने इसे देश का नंबर वन कारपेंटर घोषित किया है और सरकार इसे इनाम देने के लिए ढूंढ रही है। अच्छा, लेकिन यह मिल ही नहीं रहा। आपको कहीं पर दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ ठीक है। और दोस्तों इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। हाँ ठीक है ठीक है, मालूम है मेरे को। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।